हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट, क्लास एट और चैप्टर सेवन्थ। चैप्टर सेवन्थ का इंट्रोडक्शन हमने मेरे पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 में। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये निकालने के लिए हमारे पास देखो फर्स्ट है 216 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसके फैक्टर बनाए। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 वन जा 2, 0 आ जाएगी, 2 एट जा 16। फिर 2 से कर देंगे, 2 फाइव जा 10, 2 फोर जा 8। फिर 2 से 2, 2 जा 4, 2 सेवन जा 14। फिर 3 से कर देंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये आ गया हमारे पास से। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर बना लिए। अब देखते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। प्राइम फैक्टर ऑफ 216, 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 है, ये आ गया। सो हमारे पास देखो फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि क्यूब दे रखा है तो वो 3 का पेयर होना चाहिए, तो 3 3 के पेयर बनाते हैं। अगर कंप्लीट 3 3 के पेयर बनते हैं तो एक परफेक्ट क्यूब है, और अगर कोई भी डिजिट हमारे पास बचता है तो नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो इसके अंदर देखो 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, फर्स्ट पेयर हो गया। 3 भी 3 टाइम्स है, ये भी सेकंड पेयर हो गया, तो क्या बोल देंगे। सो 216 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर बिकॉज हर ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट। कि इसके जो भी हमारे पास फैक्टर्स हैं वो ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीन्स तीन के ग्रुप में है, कोई भी सिंगल डिजिट नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास, 216 एक परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट है सेकंड 128 को भी हम ऐसे ही करेंगे। 128 को सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये आ गए हमारे पास। फिर हम इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 128 इज 1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम्स लिख देंगे हम 2 को। उसके बाद हम ट्रिपलेट का पेयर बनाएंगे, तो फर्स्ट ट्रिपलेट क्या आ जाएगा, ये आ गया फर्स्ट। फिर सेकंड का ट्रिपलेट हो गया, एक डिजिट अभी हमारे पास सिंगल बच गया, बचता ऊपर वाले में नहीं बचा था, तो क्या परफेक्ट क्यूब है। और कोई भी डिजिट अगर हमारे पास ऐसा है कि ट्रिपलेट के बिना बचता है तो नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो क्या बोल देंगे, हियर वन फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर इन ए ट्रिपलेट ग्रुप। ये हमारे पास एक फैक्टर 2 ऐसा है जो कि ट्रिपलेट ग्रुप के अंदर नहीं है, अपीयर नहीं करता। सो 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो 128 है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड 1000 है। 1000 को पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 0 0। फिर 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0। फिर 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर 5 से कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 1000। हमारे पास 3 टाइम्स 2 नोट कर लिया और 3 टाइम्स 5 नोट कर लिया। तो ये नोट करने के बाद हमारे पास जब हमने ट्रिपलेट बनाया तो 2 का ट्रिपलेट और 5 का ट्रिपलेट बन गया, तो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो क्या लिखेंगे, हेयर ऑल फैक्टर्स अपीयर इन ट्रिपलेट, जितने भी फैक्टर्स हैं वो ट्रिपलेट में अपीयर करते हैं। सो 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो 1000 वो क्या है हमारे पास, एक परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ 100 के लिए हमारे पास पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से कर देंगे, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज़। फिर 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 आया। फिर 5 से कर देंगे, 5 5 जा 25। फिर 5 से कर देंगे, 5 1 जा 5। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये आ गई। अब जब हम इसका पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं तो 2 का भी ट्रिपलेट नहीं है, 5 का भी ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि ट्रिपलेट में 3 होने चाहिए हमारे पास रिपीटेशन, जो भी डिजिट है उसकी 3 टाइम्स होना चाहिए। तो 2 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स कोई भी नहीं है। तो क्या बोल देंगे, हेयर ऑल फैक्टर्स डू नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट, कि कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो ट्रिपलेट में लाई करता है। सो 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो 100 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट है 46656। इसको हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4।
फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, फिर 2 4 जा 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा ना, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, फिर 2 से कर दिया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब 7 29 2 से नहीं होता तो 3 से होता है, ये 3 से कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 4 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब ये आ गया हमारे पास है, तो प्राइम फैक्टर्स को नोट करेंगे। देखो फर्स्ट हो गया 3 का, फिर ये 3 का हो गया, ये भी 3 का, ये भी 3 का, सभी में 3 3 का ट्रिपलेट बन गया। तो क्या लिख देंगे, हियर ऑल फैक्टर्स अपीयर इन 3's ग्रुप, कि हर एक जो फैक्टर है वो 3 के ग्रुप में है, सो 46656 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो ये नंबर है जो ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। हमें वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है कि जो मल्टीप्लाई करने से एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। अब देखो 243 है लास्ट डिजिट, तो 2 से नहीं होगा, तो हमने देखा 3 से होता है ये, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से कर दिया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये आ गए हमारे पास, तो प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, एक तो 3 का ये हो गया ट्रिपलेट और एक है ये, तो हमारे पास कितने बने बेटा, ये तो 3 का ट्रिपलेट बन गया, बट इसका तो ट्रिपलेट नहीं है, इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें एक और 3 की ज़रूरत है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखा हमने, हियर 3 डज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट, जो 3 है वो अपीयर डज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में अपीयरिंग नहीं है, सो 243 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। नेक्स्ट है सेकंड 256, 256 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर दिया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये आ गए हमारे पास है प्राइम फैक्टर ऑफ 256, 256 के प्राइम फैक्टर बनाए, एक तो 3 का ये बन गया 2 2 का, फिर 1 2 3 ये भी 3 का पेयर बन गया, फिर 2 का बच गया हमारे पास, तो दो पेयर तो हमारे पास 3 3 के बच गए बन गए, लेकिन जो थर्ड पेयर है वो ट्रिपलेट नहीं बन रहा, उसको ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे, हेयर 1 फैक्टर 2 इज रिक्वायर्ड टू मेक ए 3's ग्रुप है, तो जो एक फैक्टर 2 है हमारे पास उसको 3 के ग्रुप में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 256 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2, 256 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट ए परफेक्ट क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड 72 के हमने प्राइम फैक्टर कर दिया, सबसे पहले 2 से कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, 3 टाइम्स 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, हियर 3 डज नॉट अपीयर इन 3। अब देखो 2 का तो हमारे पास ट्रिपलेट बन गया, बट 3 का ट्रिपलेट नहीं, उसको बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, हियर 3 डज नॉट अपीयर इन 3's ग्रुप, सो 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है फोर्थ 675 को सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 3 से कर दिया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से कर दिया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब देखो ट्रिपलेट बनाना है, ट्रिपलेट के लिए 3 का ट्रिपलेट बन गया, बट 5 का ट्रिपलेट नहीं है, 5 का ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, हेयर 5 डज नॉट अपीयर इन 3's ग्रुप, सो 675 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 5। नेक्स्ट है 100 को हमने प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड किया, 2 से कर दिया, 50 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे, 25, फिर 5 से कर देंगे, 5 5 1 जा 5। अब प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 2 का भी ट्रिपलेट नहीं है, 5 का भी ट्रिपलेट नहीं है, 2 का ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 का ट्रिपलेट बनाने के लिए एक
5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास डिजिट क्या है, एक 2 और एक 5। हेयर 2 और 5 बोथ डू नॉट अपीयर इन थ्रीज ग्रुप, 2 और 5 है वो दोनों हमारे पास 3 के ग्रुप में नहीं है। सो 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 और 5, 2 5 जहाँ 10 हो जाएगा टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। तो 100 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। इस नंबर को हम किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड कर दें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। देखो फर्स्ट है 81। 81 के लिए हमारे पास प्राइम फैक्टर बना दिया। सबसे पहले प्राइम फैक्टर के लिए 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से करते 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर 81, 81 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 4 टाइम्स आ गया हमारे पास, तो ये नंबर आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड, तो ट्रिपलेट बनाते हैं, ट्रिपलेट बन गया 3 का। अब एक्स्ट्रा कौन है, एक 3 बचता है, तो इस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। हेयर 1 फैक्टर 3 इज नॉट ए ग्रुप इन ट्रिपलेट, 3 है वो ट्रिपलेट में नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3। जो भी हमारे पास ऐसा नंबर बचता है जिसका जो ट्रिपलेट में नहीं है, उसी नंबर से हम उसको डिवाइड करते हैं। 128 के हमने पहले फैक्टर बनाए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से कर देंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब प्राइम फैक्टर में 3 का ट्रिपलेट बनाओ, ये 3 का ट्रिपलेट हो गया, ये भी 3 का, कितने बच गए, 1 बचता है हमारे पास, ये 3 3 के बन गए, ये 2 है, इसका कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो इस नंबर को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। हेयर 1 फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर इन ए थ्रीज ग्रुप, तो हमारे पास एक फैक्टर 2 है वो जो 3 के ग्रुप में नहीं अपीयर करता, सो 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है थर्ड, 135 को हम क्या करेंगे, 135 को सबसे पहले 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 से करके देखते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से कर देंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से कर देंगे 3 5 जा 15 और फिर 5 1 जा 5। अब प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 135 के प्राइम फैक्टर ये आ गए, ट्रिपलेट बनाते हैं तो 3 का ट्रिपलेट बन गया, बट 5 का कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो हेयर 1 फैक्टर 5 डज नॉट अपीयर इन ए ट्रिपलेट, तो हमारे पास जो 5 है वो ट्रिपलेट में लाई नहीं करता, सो 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 5, तो 135 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, 192 को जब हम 2 से डिवाइड कर दिया, सबसे पहले 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब सबसे पहले हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, प्राइम फैक्टर्स से 2 का बन गया हमारे पास ट्रिपलेट, फिर 2 का बन गया 3, हमारे पास नहीं है ट्रिपलेट में, तो क्या लिखेंगे, देखो हेयर 1 फैक्टर 3 डज नॉट अपीयर इन ए ट्रिपलेट, जो हमारे पास 3 है वो ट्रिपलेट में नहीं है, सो 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3, तो 192 को हम 3 से डिवाइड करेंगे टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, उसको एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, 704, 704 प्राइम फैक्टर कर दिया, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दिया 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर देंगे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर दिया 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 11 से कर देंगे 1 आ जाएगा। अब देखो प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास, उससे हम ट्रिपलेट बनाते हैं, एक 2 का ट्रिपलेट, सेकंड फिर ये ट्रिपलेट क्या बच गया, 11 बचता है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, हेयर 1 फैक्टर 11 डज नॉट अपीयर इन ए ट्रिपलेट, एक फैक्टर 11 ऐसा है जो कि ट्रिपलेट में ही नहीं है, सो 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11, तो 704 को हम 11 से डिवाइड करेंगे टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लेटिसियन,
परीक्षित ने एक क्यूबोइड बनाया और किसका, प्लेटिशियन का, ऑफ साइड्स। उसके साइड्स क्या हैं, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। उसके साइड्स दे दिए हमें। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब, उसको एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत हो, कितने क्यूबॉइड्स की अलग से जरूरत है। अब देखो कितने की जरूरत है हमें, गिवन नंबर, हमारे पास गिवन जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, 5, 2 और 5, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखो इसमें ट्रिपलेट बनाएंगे क्योंकि क्यूब है, एक क्यूब होता है हमारे पास, तो हर एक का अगर हम ट्रिपलेट बना देंगे तो हमारे पास क्यूब बन जाएगा। सिंस फैक्टर्स ऑफ 5 एंड 2 बोथ आर नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, 5 और 2 है वो 3 के ग्रुप में नहीं है, तो हमें इसको 3 का ग्रुप बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देखो, सो द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई, अब देखो 5 है 2 टाइम्स है तो एक टाइम 5 भी आना चाहिए हमारे पास है, और 2 1 टाइम्स है तो कितने टाइम्स और 2 की जरूरत है, 2 टाइम्स और 2 की जरूरत है, 2 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो 2 मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। अगर हम इस नंबर, ये जो नंबर्स हैं इनको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। हेंस ही नीड्स 20 क्यूबॉइड्स, तो हमें कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत होगी, 20 क्यूबॉइड्स की जरूरत है किसको, एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। ओके, थैंक यू।